गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के लगभग 8:56 तो हो रहे हैं, 4 मिनट बजे हुए 9 बजने के लिए। तो आज का ब्लॉग मैंने अपने खेत से शुरू कर ही दिया है। तो गाइज आप बोलोगे खेतों पे तो हल लग रखा है, ये क्या करने आ रखा है। तो गाइज मैं बता दूँ, कम से कम इन खेतों में 3 बार लगता है हल। एंड एक तो मैं पहले लगा चुका हूँ, अब दूसरी बार लगा रहा हूँ, अब तीसरी बार जब बीज बोते हैं तब लगाता हूँ। तो गाइज़ आज मैं सुबह सुबह आ गया हूँ स्कूल पे, तो पीछे देख रहे होंगे स्कूल के बच्चे, सुबह भी नहीं कह सकते हैं, इनका स्कूल लगने वाला है और मेरे पीछे देख रहे होंगे स्कूल। तो गाइज़ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इनको लगाते हैं हल फटाफट, तो बाद में पता ही है आपको धूप लगती है। पहले को तो आपने देख रखा है, तो अभी लगाते हैं इनसे हल फटाफट। तो है चल, तो देख रहे होंगे गाइस किस तरह से नॉर्मल हो रखा है पूरा खेत, तो ज़्यादा टफ नहीं हो रहा लगाने में। तो गाइस अभी लगाते हैं इनको फटाफट, इन 3 खेत को लगाना है मुझे, एक ये वाला और एक ये वाला जो अभी मैं लगा रहा हूँ, इनको फटाफट करते हैं। तो फाइनली गाइस ये वाले 3 खेत तो लगा दिए हैं, कम से कम 2 घंटे में तुम्हारे भाई ने पूरा खेत फाइनल कर दिए हैं। गाइस अभी आ गया हूँ घर पे एंड नाश्ता तो मैंने किया नहीं था, नाश्ता करने ही बैठा हूँ। और मिट्टी में तो गाइस अच्छी तरह से मेरे हाथ पैर पूरे भर गए थे, तो हाथ पैर धो के बैठा हूँ और टाइम अभी लगभग 11:30 हो रहे हैं। तो गाइस दिखाता हूँ नाश्ते में क्या क्या बनाया है। ये है कुछ नाश्ता, ये है रोटियाँ एंड ये है सब्जी। तो गाइस सब्जी अपने खेत की है हमारी, और ये है चावल तेल में फ्राई करके जीरा का तड़का, तो गाइस काफ़ी टेस्टी होता है खाने में। और ये है ऑमलेट। तो गाइस ये है चाय, चाय आपको गांव में स्टील के गिलास में ही मिलेगी आपको। तो गाइस चाय भी देख सकते हैं, गाड़ी गाड़ी दूध तो अपना रहता है हमारा गायों का, तो गाइस गाड़ी चाय बन जाती है। और ये है पानी। करते हैं अभी नाश्ता, भूख तो मुझे काफ़ी लग रही है, मेरा नाश्ता भी 11:30 बजे हो रहा है। तो अभी मिलते हैं आपको नाश्ते के बाद। उसको भी दे देते हैं रोटी, रोटी तो बज रखी है, ले भाई एक रोटी तू भी खा ले। तो गाइस देख रहे होंगे किस तरह से खा रहा है ये, इसको तो पूरी आदत पड़ रखी है, मैं इसको सुबह हमेशा एक एक रोटी देता हूँ, अभी बची हुई थी मैंने एक और दे दी इसको। तो गाइस इसको भी अब छांव में बांधते हैं, गाय तो मैंने बांध दी है छानी के अंदर, तो अभी इसको भी बांधते हैं। इस नाश्ता तो मैंने अच्छी तरह से कर दिया है एंड अभी आया हूँ छत पर। तो गाइस ठंड तो इतनी स्टार्ट होगी कि लग भी रही है बहुत, बिना कम रजाई के कमरे में तो रहा नहीं जा रहा है दिन में भी। तो गाइस मैंने देखा बाहर तो अच्छी तरह से धूप खिल रखी है, क्यों ना थोड़ा छत पे बैठा जाए। तो गाइस यहाँ आके इतनी सुकून सा मिल गया पूरे शरीर को कि मज़ा आ गया कुछ। तो गाइस एक बात बता दूँ, इंसान की पूर्ति तो कभी नहीं होती है, हो सकती है, जैसे कि गाइस रीज़न देता हूँ आपको। गर्मियों में तो गाइस हम बोलते हैं काश ठंड का मौसम आ जाए, और ठंडियों में अभी बोल रहा हूँ गाइस काश गर्मियों का मौसम आ जाए। तो गाइस ऐसे ही दिन कट रहे हैं, ठंडियों भी चले जाएगी तो गर्मी भी आ जाएगी, गर्मी भी चले जाएगी तो ठंड भी आ जाएगी। तो गाइस थोड़ी देर करते हैं रेस्ट यहाँ पे, और पहाड़ों का व्यू तो देख रहे होंगे गाइस कुछ इस तरह से है, आसमान पूरा नीला नीला है। तो गाइस ये है मेरा गांव, मेरा गांव का नाम है सीणा। तो गाइस आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा नाम सुन के, बट यही है, 2 नाम है हमारे गाँव के, एक शिवनगरी एक सीणा। तो शॉर्टकट में सीणा ही बोलते हैं, शिवनगरी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देख रहे होंगे गाइस कुछ तरह का है, पूरे खेत खाली हैं अभी, और यहाँ पे इन खेतों को मैंने हल लगाया, अभी देखूँगा यहाँ पे। और तो गाइस थोड़ी देर करते हैं यहाँ पे रेस्ट, देख रहे होंगे छत पे हमने क्या क्या सुखा रखे हैं। ये वाले हैं तिल, और ये है हरी दाल, और उधर साइड है तोर। तो गाइस ये है घास घूस, और यहाँ पे है मिर्च। तो गाइस इधर भी दिखा दूँ आपको, ये है हमारी फ्रीडिक्स, और यहाँ पर कुछ बाल्टी में तुलसी लगा रखी है हमने। तो गाइस गंगोरी का व्यू भी दिखाता हूँ आपको। तो ये सामने वाला पहाड़ तो देख रहे गाइस, इधर भी ठंड के मैंने काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई रहती है, बट टिकती तो नहीं है, जैसे शाम को पड़ी सुबह के टाइम धूप से गल जाती है। और ये है सामने गंगोरी, तो देख रहे गाइस कुछ तरह से व्यू आ रहा है। और देख रहे गाइस नदी भी तो कितनी कम हो चुकी है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, बट गाइस उतना जूम भी नहीं होता मेरे फ़ोन में, फ़ोन से ही बनाता हूँ, कैमरा तो है नहीं मेरे पे। तो गाइस अब दीपावली के बाद हम पुल लगाना स्टार्ट कर देते हैं, अब तो काफ़ी कम हो चुका है पानी। और गाइस हम लकड़ी इस वाले जंगल से लेके आते हैं, जो पुल की लकड़ी रहती है, कुछ इस तरह से दिख रहा है पहाड़ों का व्यू। और गाइस ये बता दूँ तो ठंड के मैंने ये वाला पहाड़ सामने वाले के पीछे पीछे आता है। तो गाइस कम से कम हमारे घर में भी 10:30 बजे आता है धूप, तो गाइस सुबह के टाइम काफ़ी ठंड लग जाती है, आने वाले दिनों में होगा ऐसा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है ब्लॉग का 2रा दिन। तो गाइस कल मैं पूरा ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो इसका रीज़न तो गाइस मैं बता दूं,
जैसे ही गाइस मैं खाना खुना खाने के बाद कल थोड़ा सा देर और रेस्ट कर रहा था, उसके बाद 3:30 तो हो ही गए थे। तो गाइस आपको तो पता है गांव में आजकल खेतों का काम लगा हुआ, पूरे जगह खेत में भी पूरे फसल थे और छत में भी पूरे फसल थे। तो गाइस उसके बाद अचानक इतनी तेज़ बारिश आई कि पूरे जल्दीबाजी में हमने फसल फुसल एंड जो भी दाल दूल थी वो हमने जल्दी बोटा लो। उसके बाद तो गाइस हम भी भीग गए थे और 6:30 बजे तक रात तक कंटिन्यू बारिश लगती रही। तो गाइस लाइट भी नहीं थी, तो उसके बाद मेरे फ़ोन में भी बैटरी काफ़ी कम थी, तो मैंने सोचा गाइस अब कल ही बनाऊंगा, तो अभी से बना रहा हूँ ब्लॉग। और अभी मेरे साथ है मेरे मामा का लड़का, तो हाय कर दो ए। तो देख रहा हूँ गाइस इनकी तो छुट्टी पड़ चुकी है दीपावली की, तो आज मेरे साथ थे। सुबह से मेहनत करते करते तुम्हारे भाई ने पूरा खेत फाइनल कर दिया है, तो देख रहा हूँ गाइस कितना बड़ा खेत है यहाँ पे। और ये वाले 3 खेत तो मैंने कल लगाए थे और बारिश से ब्लैक कलर की मिट्टी हो रही थी, देख रहे आप तो। और गाइज यहाँ पे पूरा पानी आ रहा है, जो सरकारी पाइपलाइन था वहाँ से पूरा पानी आ रहा है, पता नहीं किसने खोल रखा है पानी। तो देख रहे होंगे पूरी रोपनी वाली फीलिंग आ रही है। तो गाइज इनको देख रहे होंगे एक बैल बन रखा है, एक हल लगा रहा है, देख रहे होंगे तो आप किस तरह से इनकी मस्ती चल रही है। वही हल लगाए हुए खेत में लगा रहे क्या, उधर वाले खेत में लगाओ ना। तो देख रहे होंगे गाइज पूरी इनकी मिट्टी में पैर धस चुके हैं। और तो गाइस सुबह से मेहनत करते करते तुम्हारे भाई के पैर में भी तो पूरी मिट्टी लगी हुई है, हाथ भी पूरे भर चुके हैं मिट्टी में, सर में भी मेरी अच्छी तरह से मिट्टी भर चुकी है पूरे शरीर में। तो गाइस मैं कल से और अभी तक पूरा हल ही लगा रहा था, इसके कारण पूरे मिट्टी से मैं भर चुका हूँ अच्छी तरह से। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ धार पे, एंड आपको एक वीडियो पे दिखाया भी था मैंने थोड़ा बहुत अपने धार पे, तो अभी वहीं चलते हैं अच्छी तरह से मुँह हाथ पैर सर धो के थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, अभी उधर ही चलते हैं आपको लेके। आ चुका हूँ अभी धारा पे एंड यह है पानी का स्थल। तो गाइस को गढ़वाली में पनियार भी बोलते हैं एंड धारा भी बोलते हैं। तो गाइस आप देख सक रहे होंगे तो इसमें छोटी छोटी मच्छी घूम रही है, ये हल्का फुल्का दिखा दूँ आपको, उधर साइड जा रखी है ये देख रहे होंगे, तो ऐसे ऐसी करके बहुत सारी है। तो गाइस यहाँ का व्यू भी दिखा दूँ पहले आपको नदी का, तो देख रहे होंगे गाइस कुछ इस तरह से है यहाँ का व्यू, और लोगों के खेत भी हैं यहाँ पे। तो गैस इसी की बात कर रहा था मैं जब मेरा हाथ कटा था, तो मैं इसी के लिए बोल रहा था ये है पहाड़ी दवाई। तो गैस इसको गढ़वाली में तो इसको बासिया बोलते हैं एंड हिंदी में इसको तीव्र गंदा बोलते हैं। तो गैस एक बार देख लो और आप नेट में ज़रूर सर्च करना है गाइस कितना ठंडा है पानी। और तुम्हारे भाई ने चिंडा भी लेके आया था, तो गाइस यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर ज़्यादा गहरा नहीं है जो सर डुबाने लाइक, तो अभी मैं चिंडा चुंडे से करते हैं अभी। हाथ पैर तुम्हारे भाई ने अच्छी तरह से धो दिया है और बाल भी तो किस तरह से सिल्की लग रहे हैं देख रहे होंगे, आगे से मैं गाइस ऐसे हो रहे थे मिट्टी से तो क्या बताऊं। तो गाइस वहाँ पे लोग भी आ गए थे, तो मैंने सोचा अब घर की ओर चलते हैं नाश्ता नुश्ता करते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह का था आज का ब्लॉग, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ब्लॉग आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।